नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में कल साल का पहला कारोबारी दिन था और साल के पहले दिन ही हमें BF इन्वेस्टमेंट के शेयर में 20% तक का अपर सर्किट देखने को मिला। और दोस्तों, हैरानी तो तब हुई जब आज के दिन भी हमें इसके शेयर में 20% तक का अपर सर्किट देखने को मिला, यानी कि दो दिन में 40% ये शेयर ऊपर जा चुका है। अब सवाल ये आता है कि ये शेयर इतना ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, इस अपर सर्किट की वजह के पीछे कंपनी की मीटिंग को बताया जा रहा है। बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को कंपनी की तरफ से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि 4 जनवरी 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी और इस मीटिंग में वॉलेंट्री डिलिस्टिंग के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और दोस्तों, इस खबर के बाहर आने के बाद से ही कंपनी के शेयर उड़ान भरने लगे हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि वॉलेंट्री डिलिस्टिंग क्या होता है, तो आपको बता दें कि कई बार कंपनी खुद ही अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करवाती है और इस तरीके की डिलिस्टिंग को वॉलेंट्री डिलिस्टिंग कहा जाता है। और दोस्तों, कंपनी ऐसा इसलिए कराती है क्योंकि कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की कीमत उसके सही वैल्यू नहीं दिखा रही है। और दोस्तों, इसी वजह से कंपनी यानी कि BF इन्वेस्टमेंट वॉलेंट्री डिलिस्टिंग कर रही है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको BF इन्वेस्टमेंट के शेयर में कितने का प्रॉफिट या फिर कितने का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट BF इन्वेस्टमेंट के शेयर को लेकर। लेकिन अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।